आज हम आपको बताएंगे कि घर में मीटर कैसे लगाए किराएदारों के लिए, या हम खुद किसी के घर पे जाते हैं उनके किराएदारों के लिए मीटर लगाने। तो आज मैं आपको बताता हूँ मीटर कैसे लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास किसी भी मीटर, कोई भी आप सिंगल फेस मीटर लीजिएगा तो उसके अंदर चार पॉइंट होते हैं। ये हमारे पास इनपुट होती है, ये एक हमारे पास आउटपुट होती है। लेफ्ट हैंड की साइड जो हमारा उल्टा हाथ की तरफ होता है वही इनपुट होगा, जो राइट हैंड की तरफ है वो हमारा आउटपुट होगा। ये हमारा फेस सप्लाई होता है, ये फेस सप्लाई इस फेस सप्लाई से अटैच होती है, ये न्यूट्रल सप्लाई इस न्यूट्रल सप्लाई से अटैच होती है। मैं आपको एक बार कंटिन्यूटी से भी चेक करके बता देता हूँ। ये हमने कलम मीटर पे कंटिन्यूटी डाल रखा है। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है। ये हमारे यहाँ, मगर यहाँ फेस देते हैं तो ये फेस वहाँ से अंदर ही अंदर यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है, क्लियर है। फिर ये हम यहाँ न्यूट्रल देते हैं तो ये अंदर ही अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल आउटपुट आ गया, ठीक है दोस्तों। और कई बार अगर आपको इस पर भी समस्या हो तो इस पर एक बार ही ध्यान दीजिएगा। ये जो इसके ऊपर कवर लगे रहते हैं इस तरीके से नत लग के कवर लगा रहता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा तो इस पर आपको दिखेगा S1 लिखा हुआ है इस तरफ, सप्लाई 1 लिखी हुई है, S2 लिखा हुआ है, सप्लाई 2 लिखी हुई है। इधर लोड दे रखा है, उल्टा राइट हैंड की तरफ लोड दे रखा है। इधर आपको S1 वाला L1 में आ जाएगा और S2 वाला L2 में आ जाएगा। बस इस पे ध्यान देना और आपका मीटर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो तार इसमें लगाएंगे। जो इनपुट आएगा जो हमारे मेन मीटर से आ रही हो या मेन MCB बॉक्स से आ रही हो, वो हम इस तरफ फेस लगा दिए, इस तरफ मीटर लगा दिए। दो तार आएगी हमारी मेन मीटर की तरफ से, उस वाले मीटर से, तो एक इस तरफ हम फेस लगा दे देंगे, इस तरफ मीटर लगा देंगे। फिर हम इस मीटर से हमें अपने कमरे में या किसी हॉल में वायरिंग देनी हो तो इस तरफ हमें न्यूट्रल लगा देना है और इस तरफ फेस लगा देना है। उसके बाद इसकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। बस इतना ही दोस्तों।